तो दोस्तों यहाँ पे जो है झारखंड में आज जो है आज 24 घंटा में 24 घंटे में 24 नए मामले जो है झारखंड में आ गई है। तो दोस्तों इस सूचना से जो पूरे झारखंड में खलबली मच चुकी है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि आज जो ये नए 8 मरीज मिले हैं, जिसमें 8 मरीज मिला के दोस्तों यहाँ पे 92 का जो है पैराग्राफ जो है दोस्तों यहाँ झारखंड का पहुँच चुका है। तो ये आठों का आठों दोस्तों रांची का है, यानी कि झारखंड में आज फिर मिले कोरोना के 8 मरीज। अब तक 92 24 घंटे में 24 नए मामले से खलबली रांची में मच चुकी है। तो दोस्तों ये दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के जो है पॉजिटिव केसेस जो है रांची और बोकारो में दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है दोस्तों पूरे झारखंड का पैराग्राफ जो है 92 पहुँच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है धनबाद का कुछ जो है रिपोर्ट बता दें, धनबाद में 2 जो है दोस्तों पॉजिटिव केसेस आए थे, लेकिन ये जो है अभी दोनों के दोनों नेगेटिव हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोरोना वायरस केस इन रांची रांची का जो है दोस्तों हेड टॉप लिस्ट में रखा गया है। झारखंड में हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 92 पर पहुंच गई है। वहीं सूबे के 24 जिलों में से 10 जिलों कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सोमवार को एक बार फिर 8 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में अब तक कोरोना संक्रमित 24 नए मामले सामने आए हैं। आज के सभी मामले राजधानी रांची से आए हैं। यहीं हिंदपीढ़ी इलाके के अलावा सदर अस्पताल और 5 से अधिक मोहल्ले कोरोना संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। एक एक बार की 4 नर्स गार्ड सफाई कर्मी और ड्राइवर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उनसे संपर्क में आने वाले बड़े अफसरों के हाथ पैर फूल गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 4 नर्स गार्ड सफाई कर्मचारी और ड्राइवर मिला के जो है टोटल जो है 8 लोगों को जो है एक ही दिन में यहाँ पे पॉजिटिव की जो है घोषणा हो चुकी है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर राजधानी रांची में 8 कोरोना मरीज मिले हैं। रविवार को भी 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में राज्य में अब तक रिकॉर्ड 24 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 92 पर पहुंच गया है। राज्य में एक दिन में कोरोना के नए मरीज मिलने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रविवार को सामने आया, जब रिकॉर्ड 16 पॉजिटिव केस मिले। इस बीच अच्छी खबर है कि धनबाद के दोनों मरीजों ने कोरोना को हराते हुए संक्रमण से मुक्त पा ली है। इससे धनबाद जिला संक्रमण मुक्त हो गया है। रविवार को संक्रमित पाए गए नए मरीजों में 13 रांची के, जबकि 2 गढ़वा के हैं। 15 संक्रमित मरीजों में 7 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। नए मरीजों में रांची सदर अस्पताल की 4 नर्सें भी शामिल है। ये नर्सें 1 सप्ताह पहले सदर अस्पताल में प्रसव कराने वाले हिंदपीढ़ी की महिला के संपर्क में आकर संक्रमित हुई है। राज्य में हेल्थ केयर वर्कर के संक्रमित होने का यह पहला मामला है। रांची सदर में कार्यरत एक महिला होमगार्ड भी संक्रमित हुई है। वहीं सोमवार को मिले 8 नए मरीजों के साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। वहीं रांची में संक्रमित मरीजों की आंकड़ा 64 तक पहुंच गया है। इनमें 54 हिंदपीढ़ी के हैं। इधर रविवार को रांची में मिले 13 मरीजों में 6 हिंदपीढ़ी के हैं। वहीं संक्रमित 4 नर्सों, 1 लोवाड़ी, 1 इमली चौक, 1 अरगोड़ा, 1 आनंदपुर चुटिया तथा 1 नेताजी नगर काटाटोली की है। महिला होमगार्ड भी चुटिया की है। संक्रमित होने वाले में बांसटोली पिसका मोड़ निवासी संक्रमित युवक भी शामिल है, जो जिला प्रशासन का ड्राइवर है। यह गुरु नानक स्कूल स्थित कंट्रोल रूम में तैनात था। वहीं एक अन्य संक्रमित गुरु नानक स्कूल स्थित कंट्रोल रूम में ही आहार वितरण में लोडिंग का काम करता है। इसी तरह गढ़वा में 2 नाबालिग बच्चे बच्चियां संक्रमित हुई है, जो पूर्व में संक्रमित पाए गए युवक के रिश्तेदार के हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वारंटाइन के बाद मजदूर को लगा दिया था कंट्रोल रूम में। रांची जिला प्रशासन की एक और लापरवाही सामने आई। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो है यहाँ पे दोस्तों पूरे झारखंड का है। दोस्तों यहाँ पे जो है 10 जिलों में कौन से जिलों में कितना जो है दोस्तों मिल गया है, कहाँ अब तक कितने मरीज मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए रांची जो है सबसे टॉप लिस्ट में 64, जो रांची में जो है यहाँ पे 64 जो है बताया 64 है। बोकारो में 10, हजारीबाग में 3, पलामू में 3, धनबाद में 2 आया जो नेगेटिव हो चुका है, सिमडेगा में 2, देवघर में 2, गिरिडीह में 2, गढ़वा में 2, जामताड़ा में 1। तो दोस्तों यहाँ पे जामताड़ा भी अब लिस्ट में
नाम आ चुका है। झारखंड में रविवार को एक दिन में रिकॉर्ड 16 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जहाँ ताज़ा जानकारी के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सारा जो है आपको दोस्तों तो दोस्तों इस टाइप से जो है कोरोना का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों आप जो है लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही रहे, और घर से जब भी निकले तो मास्क को लगाकर ही निकले।